ये ऊँटों के बच्चे देख सकते हैं। यहाँ पर छोड़ के गए हैं और वो लोग कहीं चले गए। और ये वो बहुत बड़ा सांड देख सकते हैं। दोस्तों आज मोटो ब्लॉगिंग के लिए लेके निकल पड़ा मेरी बाइक को और यहाँ से जाते हैं। ये जो रोड है वो 80 नंबर रोड है, इंटरनेशनल रोड है ये। और यहाँ से मैं जाऊँगा जो बाहर की बाहर में लोग रहते हैं इधर, उसको बाहर बोलते हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं गाड़ी ख़राब हो रखी है, इसलिए यहाँ पर रख दिया है। तो मैं आउटसाइड जाऊँगा, वहाँ पर ऊँट बैल बकरी भेड़ रखने वाले है, लोग हैं वो किस तरह रहते हैं और किस तरह उनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। अगर आप भी बाहर आने चाहते हो और इस प्रकार रहना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहे ताकि आपको भी पता चल जाए। तो देख सकते हैं भाई यहाँ पर ये है इधर का हाल ठंडियों में। देखो कुत्ता आ रहा, कुत्ता आ रहा, कुत्ता। आजा 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 मेरे यार, आजा मेरे, आजा मेरे यार शेर, आजा साला भाग। कुत्ता पीछे लग गया यार। इधर कोई देख सकते हैं, अगर जो लोग ऊँटों में रहते हैं ना तो ये इस प्रकार रहते हैं। वो लोग वो मतलब एक सन्यासी की जिंदगी जीते हैं पूरी की पूरी। अपनी कंपनी पीछे रह जाएगी। चलो रास्ता पकड़ के सीधा निकलते हैं अपन। रास्ता इज बेस्ट, क्योंकि बाइक आगे का शोकर पहले ही चला गया। इस तरह भगा भगा के यहाँ पर कुत्तों से बहुत सावधान रहना पड़ता है। कुत्ते बहुत खतरनाक है यार। अपनी बाइक वगैरह गिर गई, सही ध्यान से नहीं चलाया, बाइक गिर गई तो अपन तो कुत्तों की भेंट चढ़ जाते हैं। ये देख सकते हैं ये बहुत खतरनाक है यार। देखो कितना मुंह से निकाल रहा अपनी जीप पर। और इनको लेके नहीं गए, पता नहीं क्या है। ये इधर यहाँ पर चला रहे हैं कुछ, इनकी मेरे ख्याल से बच्चा देने वाले होंगे। और ये पुराने मॉडल वाला है 4x4, ये 4x4 नहीं है, पीछे का टायर 4x4 है इसके। ये पानी का टैंकर है, ये फिक्स रहता है यहाँ पर। वो तो लोग उधर ही गए होंगे, उधर गए इसलिए उधर देख के चला रहे हैं। ये ऊँटों के बच्चे देख सकते हैं। यहाँ पर छोड़ के गए हैं और वो लोग कहीं चले गए। और ये वो बहुत बड़ा सांड देख सकते हैं उधर की साइड में, उधर ये खड़ा है। और उधर इनका ये लेटरिन बाथरूम है, नीचे गड्ढा खोद के बना देते हैं। और ये यहाँ का पूरा पूरा एरिया, यहाँ पर जहाँ पर आपकी नज़र जाएगी कोई बंदा नहीं मिलेगा। ऐसा कंटेनर रखा हुआ है सबके। और ये देख सकते हैं, और इनको ये घोड़ी भी है यहाँ पर इनके पास में। तो दोस्तों अभी इधर बैठा हुआ हूँ, ये हमारे काकू आ गए ऊँट लेके। हाँ कलम नपरा था। वालेकुम, कैफ हाल, तमाम माशाल्लाह। ये बोल रहा है आप सब लोग कैसे हो, माशाल्लाह आप ठीक रहो, यही दुआ है इनकी। और ये इधर भाई बैठा हुआ है अपना मोबाइल देख रहा है। हाँ मुदीर कलम, हाल हाल कलम, हाय मुदीर शलोनक जीन शखबारक। कलम आदा ना पर सभी सब्सक्राइब, आदा ना पर जाए सभी सब्सक्राइब कलम। हाल हाल मुदीर कुल्लू लफरात शलोनक जीन स्पोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह कुल्लू ठीक है। और भाई हमारा देख रहा था वीडियो पिछली बार का ब्लॉग, काकू है चुड़ाड़ी। काकू चुड़ानी है और बहुत अच्छा आदमी है। और ये इधर रहते हैं, ये इनका है, ये हमारी इधर बाइक खड़ी है NKT, यानी निम्बा का तालाब। NKT हमारे गांव का नाम है। और थोड़े बैठे थे गप्पे सप्पे लड़ा रहे थे, तो
अभी गपे सपे लड़ा दी, अभी निकलेंगे वापस टूर पे। यहाँ से निकलूंगा अभी मैं सीधा का सीधा वो साइड में, ताकि आपको उधर का भी व्यू दिखा सकूँ। ठीक है, और अभी यहाँ से सीधा ही निकलेंगे इराक बॉर्डर की तरफ से। इराक बॉर्डर के पास पास होकर सीधा निकल जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमारे कैमरे की मेमोरी कार्ड है वो भी थोड़ी ही रेप बची है, 4-5 मिनट का ही वीडियो होगा। तो आगे कोई अच्छा होगा दिखाने लायक जगह तो मैं आपको वापस से शूट करूँगा।